ऊपर उठाओ, मेरे हाथ पे जोर लगाते हुए, कौन मैं सा? नीचे दबाऊंगा ये वाला, ऊपर उठाओ धीरे धीरे करके, एक सिंगल यही वाला पैर में भी। हाँ ये वाला ऊपर उठाओ, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, ऊपर उठाओ जोर लगाओ मेरे हाथ पे, शाबाश जोर लगाओ, शाबाश धीरे छोड़ो, ये वाला लगाओ, ये वाला ऊपर उठाओ, उठाओ 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 जोर लगाओ, शाबाश, घुटना मोड़ो, ये सीधा करो, सीधा करो, शाबाश, ये वाला करो, करो 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 करो, अरे वाह बहुत ताकत है तुम में तो, उधर उधर कर मत लो, शाबाश जल्दी, कहीं मैं छू रहा हूँ कहीं दर्द पे, कहीं दर्द महसूस हो रहा है, कहीं नहीं दर्द तो नहीं हो रहा, ठीक नहीं है ऐसे मुक्का मार रहा हूँ कहीं दर्द हो रहा है, ठीक नहीं ठीक। दूध पीती हो? बैठ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, इससे दूध पहले पीती हूँ। जमशेदपुर में दिखाया था टाटा में, हाँ तो बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी दूर क्यों आए भाई? सर वहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब इनका पेन होता है हाँ तो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, नहीं 10-15 दिन तक रहता है, उसके हाँ बाद खत्म हो जाता है। अच्छा फिर 2 महीना, बैठ एक बैठो, महीना फिर अचानक फिर हो जाता है। अच्छा फिर 15 दिन तक रहेगा, फिर उसके बाद फिर कभी भी अचानक से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी भी फिर वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा और 15 दिन जिन का दिनों फिर दर्द रहता है उन दिनों रात को सो जाती है, नहीं, सब किसी को सोने नहीं देते, हम लोग अपने ऊपर चढ़ा के रखवाते हैं, पैर रख के खड़ा हो पूरा जाती है? खड़े रहते हैं हम लोग, अच्छा इतना पेन रहता है। अभी तो इतना लाइन लगा, एडमिट भी हो जाती है हाँ ये? एडमिट ही तो करा है उसका, ही दिक्कत है। देखिए इसके बच्चे के अंदर ना कुछ ही कारण होते हैं स्पाइन में या कमर में दर्द के, वो टेस्ट करने के ऊपर और आपसे जो इन्वेस्टिगेशन भी हो रखी है इस पे भी वो कारण तो नहीं है, जैसे स्कोलियोसिस होता है कमर में टेढ़ापन हो जाता है, कुछ टाइम इन्फेक्शन हो जाता है, टीबी हो जाता है बच्चे को, वो भी इसमें नहीं है, कुछ टाइम ग्रोथ पेन होता है, ठीक है तो हो सकता है इसको ग्रोथ पेन हो, ठीक है काफ़ी बार जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तब ऐसे पेन हो जाते हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है उन पेन से कि भाई इसको दबाने से भी आराम नहीं हो रहा उसकी वजह से। नहीं, मेडिसिन भी देते हैं, दवाते हैं, तब भी जब तक कि 15 दिन नहीं होता तब तक उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता। कुछ फिजियोथेरेपी हुई है इसकी? कुछ भी नहीं सर, तो इसको ना कुछ अभी तो मसल्स की मजबूती के लिए एक्सरसाइज और बोन्स की मजबूती के लिए दवाइयाँ ये स्टार्ट करेंगे, और कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खानी है, प्रोटीन की चीज़ अभी ज़्यादा खानी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है घर में, ठीक है कुछ एक्सरसाइज हम बताएंगे, वो एक्सरसाइज वीडियो के जरिए देख के उसको समझनी है और वो एक्सरसाइज करनी है कुछ दिन तक, ठीक है। कितने दिनों के लिए आए हो दिल्ली में? तो समर वेकेशन का छुट्टी समर मिला वेकेशन में आए हैं ना, तो समर वेकेशन में दर्द ख़त्म कर देना है हमें, ठीक है समर वेकेशन में अच्छे से एक्सरसाइज करनी है सुबह और शाम को, और इसलिए बॉडी को ना पूरा मरोड़ देती है, फ्लेक्चुअल जैसे लगता है इसका शरीर में हड्डी नहीं है, इस तरह से बहुत मरोड़ ज़्यादा है देती सर है। इसमें, हाँ अच्छा ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा लगती है, दिखाओ हाथ दिखाओ, छोड़ो यूँ करो, अंगूठा पकड़ो अपनी तरफ खींचो ऐसे करके, ऐसे आप हाँ ऐसे टच करो यहाँ पे, हाँ 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 शाबाश, यूँ करो ऐसे पीछे की तरफ, हाँ सीधा हाथ करके, ये इतनी भी नहीं है। नहीं, ये पीछे से बैक वाला करती है ना, पैर को कांपी, मतलब सर सर पे ऐसे लग भी, टच कर देती, हाँ ठीक है टच आसन कर होता है देती वो भी कर सकती है, तो है। इस एज के अंदर बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल तो होती है वो कर सकती है, उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज करनी है, पर इसको कमर की मसल्स को मजबूत रखने के लिए डाइट सही रखनी है, उसकी जो बोन्स हैं वो सही ग्रो करें, डाइट में दाल खाती है? नहीं दाल तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, अच्छा बिल्कुल नहीं मखाने खाते। खाएगी? मखाने तो खा हाँ लेगी, मखाने तो एक दिन में पूरा चक्कर जाएगा, हाँ ठीक है दाल तो मखाने खाना है, दाल खाना है, थोड़ा थोड़ा दाल भी खाना है आपसे स्टार्ट करना बेटा, ठीक है क्या कह रहे हैं? थोड़ा दूध दही खाना है, 1 गिलास दूध ले लेगी रोज़ाना, ठीक है दही, दाल से दही एक शरीर कटोरी दही ले लेगी रोज़ाना, पी लेगी, अभी तो गर्मी है ऐसे भी पी सकती है। दही ठीक है इतना कर पीता देना नहीं, बस वैसे अंकल के दाल लिए, ही खाते हैं। दाल हाफ कटोरी खा लेना, हाफ कटोरी खा लेगी, अरे कुछ तो हाँ बोल दे गई, क्या अच्छा खाया नहीं जाता इसलिए नहीं खा पाएगी, बात ठीक है,
ठीक है, तो दाल पी लेना। चलो बहुत बढ़िया।